ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीढितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदार्जनाः। परिच्छेद 7, तारीख 5 अगस्त, विद्यासागर के यहाँ श्री रामकृष्ण जो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण, मैं और मेरा यह बोलना यही अज्ञान है, यह भी कहते हैं। उसी के साथ उपाय के स्वरूप विश्वास और भक्ति की बात बताते हैं। और विश्वास का एक बल होता है ईश्वर के प्रति विश्वास। इन सब बातों को लेकर श्री रामकृष्ण इस भाग में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर, तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं, घर परिवार लड़के बच्चे स्वजन वर्ग बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए, मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है, जैसे कि देहात में घर हैं परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर से जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता, संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर देता हूँ। उस समय भगवान यह सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और यह कहता है मैं बचाऊँगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, ईश्वर करता है, यह वह भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर ज़मीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी है उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं, यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं यह मेरी, यह जगह मेरी है वह तुम्हारी। श्री रामकृष्ण, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर शरणागत होकर उन्हें पुकारो। कंस में लिखा है ब्रैकेट में विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुराकर कह रहे हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण सहास्य, उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का भाव यह है, कौन जानता है कि काली कैसी है, षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, मूलाधार सहस्रार में योगी सदा उसका ध्यान करते हैं, वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है, वहाँ आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है, वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है, माता के
जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैर कर पार कर सकता है, यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है, सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोलकर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर चला जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही। जो ही यह सोचा कि डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्त के भावों में मस्त होकर विश्वास का महात्म्य गा रहे हैं। दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। और यहाँ यह परिच्छेद 7 का यह पंचम भाग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव ने ये जो मैं और मेरा, इसी का नाम अज्ञान है, ऐसा कहा है। तो ये जो मनुष्य सभी हम लोग इस संसार में जीवन यापन जो कर रहे हैं, तो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये जो श्री रामकृष्ण देव बिल्कुल हमारी आपकी कहानी जैसे दोहरा रहे हैं। जब वह कहते हैं हम यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है। देखिए, संसार में इसी प्रकार से ही हम जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा मेरा, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा। ये जो वस्तुओं के प्रति ममत्व बुद्धि, यह जो आसक्ति, और यहाँ ये जो कर्तापन का भाव, अहम, ये जो मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, अहम कर्ता अहम भोक्ता, अमुक अमुक कर्म मैंने किया, वह कर्म मैंने किया, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये वस्तु प्राप्त हो गई। मैं ऑफिस में कामकाज करता हूँ और उसके बदले में मुझे सैलरी के रूप में, तनख्वाह के रूप में पैसे मिलते हैं। ये मेरे अधिकार के रुपए हैं, ये इस पर मेरा पूरा अधिकार है। ये पैसे मैं अपनी इच्छा के अनुसार जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं खर्च करूँगा। यह सब लेकर ही हम जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है कि मनुष्य जब जन्म ग्रहण करता है तो वह कुछ क्या साथ लेकर आता है?
वह कुछ साथ लेकर भी नहीं आता और जाते समय हम कुछ साथ लेकर जा भी नहीं सकते। और इसीलिए शायद श्री रामकृष्ण देव ने ये मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए, यह बात हमारे सामने प्रस्तुत की है कि देखिए मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा, यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है, अर्थात यहाँ कुछ कर्म करने के लिए। तो हर जब देह धारण किया है तो देह धारण करना का अर्थ ही यह हो गया कि पिछले जन्म में हमारे कर्म के द्वारा हमने कुछ ऐसी वासनाएं, ऐसे संस्कार हमारे मन में इकट्ठा कर लिए हैं जो पिछले जन्म का संचित कर्म था, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में हम जन्म देहवान हो गए हैं, देह धारण करके जन्म ले लिया है। और पिछले जन्म का जो संचित कर्म था यही संचित कर्म इस जन्म में हमारा प्रारब्ध कर्म हो गया है, और ये प्रारब्ध कर्म उसको वर्कआउट करने के लिए उसके फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में जो वासनाएं बसी हुई हैं उसके जो अंकुर हैं, यह अंकुर ही समय समय पर अंकुरित हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप हमारे ये जो नाना इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे हृदय में तरंगायित हो जाती हैं और उस इच्छा आकांक्षाओं को कर्म करने के लिए हम प्रस्तुत हो जाते हैं। एक सामान्य सी बात है, जरा आप सोच कर देखिए, बहुत बार बाहर से कुछ सजेशन आ जाता है। मान लीजिए कि आपसे मिलने आपका एक रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त आ जाता है, जब वह आता है तो उसके हाथ की सुंदर घड़ी देखकर हम पूछ लेते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर घड़ी है, कहाँ से खरीदी? तो वह जवाब देता है कि हाँ यह भाई फास्ट ट्रैक की घड़ी है, बहुत अच्छी है इत्यादि इत्यादि, और दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बातों बातों में उस व्यक्ति से हमने वो घड़ी के बारे में तो पूछ लिया, वो व्यक्ति आपका दोस्त चला भी गया। वह चला जाने के बाद क्या हुआ? ये जो आपके मन में उस दोस्त के साथ घड़ी को लेकर जो चर्चा हो गई, वह चर्चा आपके मन में कहीं जाकर बस गई। दो चार दिन के बाद में फिर से वह विचार उभर कर आ जाता है, अरे वाह वह फास्ट ट्रैक की घड़ी कितनी सुंदर थी, हाँ और कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा खरीदना चाहिए। देखिए मन में इच्छा और इच्छा के साथ साथ विचार। तो पहले सजेशन के रूप में दोस्त की घड़ी हमारे सामने आ गई और उसके बाद विचार चालू हो गया, इच्छा जागृत हो गई, घड़ी की वासना जागृत हो गई, अंकुरित होने लगी और धीरे धीरे बार बार यह विचार मन में गुंजन करने लगा, जैसे भंवरा फूल पर गुनगुन गुनगुन करता हुआ भ्रमर घूमता है, ठीक उसी तरह यह घड़ी का विचार बार बार सारे दिन में 10 बार 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 उभर कर आ जाता है और धीरे धीरे अपना प्रभाव हमारे मन पर छोड़ता है और यह विचार दृढ़ होता जाता है, इच्छा दृढ़ हो जाती है और फाइनली एक दिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खीसे में हम अपना क्रेडिट कार्ड लेकर निकल पड़ते हैं और घड़ी के दुकान में जाकर फास्ट ट्रैक की विविध मॉडल्स देखकर लेटेस्ट मॉडल हम खरीद लेते हैं। तो देखिए एक इच्छा किस प्रकार से विचार के रूप में उभर कर आती हैं, अंकुरित होती हैं। जैसे शांत सरोवर में
अगर हम कोई पत्थर डाल देते हैं तो तरंग के बाद तरंग निकलते जाते हैं, उसी तरह से यह इच्छाएं हमारे अंतकरण में एक के बाद एक उठती रहती हैं। कुछ तो पिछले जन्म का परिणाम होता है और कुछ इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका भी परिणाम हो जाता है, और इस तरह से हमारे अंतकरण में यह मैं करता हूँ, मैं यह कर्म करूँगा, इस कर्म करने से मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। तो सर्वसाधारण मनुष्य जो हैं हमेशा इस प्रकार से कर्म करते रहता है। वह अपना ये जो चतुर्पुरुषार्थ की बात सनातन धर्म दोहराता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अक्सर सर्वसाधारण जीव ये अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों में ही उलझ कर रह जाता है। लेकिन श्री रामकृष्ण सचेतन कर देते हैं कि देखिए वस्तुतः हमारा कुछ भी नहीं है, न कुछ हम लेकर जाने वाले हैं, और अगर हम यह बोध धारण कर लेते हैं कि प्रभु ही कर्ता कर्विता है, मैं कर्ता नहीं हूँ। देखिए कर्म जब करते हैं तो कर्म का फल अवश्यम भावी होता है। जो कर्म अहम बोध लेकर जो कर्ता की भूमिका में जाता है वह कर्म का फल उसी को भोगना पड़ता है। जब हम कर्ता ही नहीं हैं, कर्ता तो प्रभु ईश्वर हैं, तो उसका फल भी तो प्रभु ही भोगेंगे। तो अगर हमारे पास कर्म फल नहीं है तो स्वाभाविक है हमारे मुक्ति के द्वार की ओर बढ़ना सहज हो जाता है। और यही बात श्री रामकृष्ण बड़े सांकेतिक रूप से सुंदर सूचक भाव से समझाते हैं कि भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब रोगी किसी बच्चे के माँ को कहता है कि माँ जी आप घबराइए मत, मैं इसको बचा लेता हूँ, तो भगवान हंसते हैं मन में, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि ये जो जीव है उसकी मृत्यु होने वाली है। तो भगवान सोचते हैं कि अरे भाई यह जगत मेरा है, इसका सृजन मैंने किया है, सभी में मैं ही बसा हुआ हूँ, और वास्तविक में मैं ही भगवान ही कर्ता भी है, भगवान भी भोगता है। आनंद तो भगवान ही भोग रहे हैं, आनंद का आस्वादन भगवान ही कर रहे हैं, तो भगवान हंसने लगते हैं। तो दूसरी ये जो दो भाइयों की बात ठाकुर ने छेड़ दी है ज़मीन को लेकर, देखिए अगर हम मनुष्य जाति का इतिहास भी पढ़ लें तो हमारे इतिहास में पावर पोजीशन को लेकर, जगह को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कितने झगड़े फसाद खून खराबा हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? यह स्वार्थ परायणता, यह अहंकर्ता अहम भोक्ता की बात। देखिए सर्वसाधारण मनुष्य जो होता है मानसिक दुर्बलताओं के कारण ही पग पग पर वासना के वशीभूत होकर गलत आचरण करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है बहुत बार। सही तो यही है कि अगर मनुष्य यह जान ले कि मैं कर्ता नहीं हूँ, भगवान ही करता है, और मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वास्तविक भगवान ही उसके कर्ता कर्विता हैं, जो शक्ति दी है कोई भी कर्म करने के लिए जो शक्ति लगती है वह शक्ति तो भगवान ही देते हैं। बुद्धि की शक्ति, कर्म की शक्ति यानी शारीरिक बल, बौद्धिक बल, नैतिक बल, हर प्रकार का बल प्रभु ही देते हैं, सब कुछ भगवान का है। यही बात इसलिए श्री रामकृष्ण देव मैं और मेरा यह अज्ञान है यह बताने के बाद निश्चित रूप से कहते हैं कि भाई इस चक्र से छूटने का, इस भाव से मैं और मेरा अहम कर्ता अहम भोक्ता की भूमिका से अपने आप को मुक्त करने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास रखना। देखिए ये जो
हम जानते हैं हमारी दुर्बलताएं, अपनी अयोग्यताओं से ऊपर उठने के लिए किसी प्रबल आश्वासन अथवा दृढ़ आलंबन की आवश्यकता होती है, और यह आश्वासन या यह दृढ़ आलंबन भगवान ही हमको प्रदान करते हैं। भगवान के शरणागत होकर, भगवान के चरणों में आश्रय लेकर कि प्रभु आप ही सब कुछ है, हर प्रकार से आप ही को मेरी रक्षा करनी है, इस तरह से भगवान के चरणों में आश्रय लेने से हम इस अपनी दुर्बलताओं से, अपने अयोग्यताओं से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। देखिए, फिसलता हुआ संभल जाएं, गिरता हुआ उठ जाएं, पिछड़ा हुआ भी आगे बढ़ जाएं, इसी के लिए दृढ़ आश्रय की अपेक्षा होती है। गिरते हुए को गोद में उठा लें, दीनहीन को हृदय से लगा लें, बेसहारे का सहारा बन जाए, ऐसा कोई न कोई होना चाहिए, और ऐसा अवश्य कोई है। वह कौन है? वह भगवान है, वह ईश्वर है। और इस ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारे श्री रामकृष्ण देव यह जो शरणागत की बात कर रहे हैं, ये जो राम प्रसाद का उन्होंने भजन गाया है, उसके आधार से ये जो दूसरा एक भजन गाया है कि दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। तो ये भगवान को अपना आधार, भगवान को पकड़कर, हे प्रभु मैं अयोग्य संतान हूँ, मैं फिसलता जा रहा हूँ, मुझे उठा लीजिए, मुझे गिरने से बचा लीजिए, मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे आगे बढ़ाने के लिए सहारा दीजिए। देखिए, कालीपद घोष का, रामकृष्ण देव का, देव के एक जो गृही भक्त थे, तो ये कालीपद घोष, उन्होंने इतने गलत आचरण, बहुत सारे कुकर्म किए थे, वो उनको बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन जब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए, उनके हृदय में यह भाव जाग उठा कि श्री रामकृष्ण देव के आश्रय से ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनके जीवन चरित्र में एक सुंदर घटना का वर्णन आता है कि एक दिन कालीपद घोष एक नाव वाले को, उसकी नाव को लेकर, यानी उसको नाव को लेकर दक्षिणेश्वर पहुंच गए, ठाकुर को नाव में बिठा लिया, और उस जो नाव वाला जो था, नाव को चलाने वाला था, उसको पहले से ही कालीपद घोष ने समझा के रखा था, और श्री रामकृष्ण को, ठाकुर को बीच मझधार में ले गया नाव, और मझधार में जब नाव आ गई तो कालीपद घोष श्री रामकृष्ण देव के चरणों में नतमस्तक हो गया, ठाकुर के दोनों चरण पकड़कर जैसे ठाकुर को कहने लगा कि आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी, मृत्यु के समय मेरे सामने घोर अंधेरा होगा, आपको आना होगा, आपको मेरा हाथ पकड़ना होगा, आप एक हाथ में जिसको हम कंदील कहते हैं, लैंटर्न, उसको लेकर रहेंगे, और गहरे अंधकार में मुझे उजाला दिखाकर, राह दिखाते हुए मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, अर्थात मेरा जन्म सफल हो जाए। कालीपद घोष यह खूब प्रार्थना करता है श्री रामकृष्ण से, और अंत में श्री रामकृष्ण उनको उद्धार का जैसे आश्वासन दे देते हैं। तो कालीपद घोष की यह संक्षेप में घटना मैंने वर्णन की। तो यहाँ हम देखते हैं भगवान के चरणों में भक्ति के आधार से आश्रय लेना। ये जो भक्ति माता है, ये भक्ति माता कैसी है? ये भक्ति माता अपने किसी भी पुत्र को गोद में उठा लेती हैं,
उसके रोम रोम को अपने वात्सल्य रस से आप्लावित कर देती हैं। उन्हें अर्थात ये जो भक्ति माता के चरणों में आ जाता है, यह जो जीव हैं वह शास्त्रोक्त अधिकारी है या नहीं, अर्थात जैसा मैंने कहा कि वह साधन भजन कर रहा है कि नहीं, पवित्र जीवन यापन कर रहा है कि नहीं, सत्य वचन बोल रहा है या नहीं, ऐसे बहुत से शास्त्रों में जो सब अधिकार प्राप्त करने के जो वचन हैं उस भाव को लेकर यह पुत्र चल रहा है या नहीं, अर्थात यह उच्च अधिकारी है या नहीं, भक्ति माता यह नहीं देखती। भक्ति माता यह भी नहीं देखती कि यह एकांत में जाकर बहुत जब ध्यान कर रहा है या नहीं। वह सिर्फ इतना जानती है कि यह मेरा बालक, यह अज्ञानी है, अबोध है, साधना करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। लेकिन यह भक्ति माता यह जानती है कि यह मेरा बालक एकांत में खूब रोता है, डरता है और यह मुझसे भगवान को चाहता है। तो यह भक्ति माता यह बालक को भगवान की गोदी में उठा कर रख देती है। देखिए, हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम यह देखते हैं। आप में से बहुतों को यह अनुभव होगा कि जब नन्हा सा बालक, मान लीजिए 4 महीने का 5 महीने का 6 महीने का नन्हा सा बालक, पिता ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं बालक रो रहा है और देखते हैं कि बालक ने शायद सूसू कर ली है, ख़राब किया है। लेकिन माँ आ जाती हैं, बच्चे को गोद में उठा कर ले जाती हैं, उसको सफ़ा करती हैं, उसको नए कपड़े पहना देती हैं। साफ़ सूफ हो जाने के बाद अपने पति के अर्थात बालक के, बच्चे के पिता के गोद में दे देती हैं और फिर पिता बच्चे को गोद में लेकर बच्चे को खूब हंस खेल कर उसके साथ खेलने लगता है। देखिए, व्यावहारिक जगत का यह जो दृश्य है, श्री रामकृष्ण देव ठीक इसी भाव की तरफ ही जैसे इशारा कर रहे हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को वह गंदगी कर लें, पेशाब टट्टी कर लें, फिर भी माँ उसका बुरा नहीं मानती, नाराज़ नहीं होती, बच्चे को साफ़ कर लेती हैं। तो ये जो भक्ति माता है, इसके चरणों में अगर हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं तो यह भक्ति माता हमारे जैसे फिसलकर गिरते हुए और ऐसे जो अयोग्य दुर्बल संतान हैं, हम जब भक्ति माता को कहते हैं कि माँ अब मैं क्या करूँ, तो यह माँ हमारे जैसे अबोध अज्ञानी जीव को उठाकर साफ सुथरा कर लेती हैं। श्री श्री माँ शारदा के वाणी के द्वारा भी यही बात हमारे सामने आई है। श्री श्री माँ कितनी ही बार माँ ने यह बात दोहराई होगी कि मेरा बच्चा अगर कीचड़ से और मिट्टी से अपने आप को गंदा कर लेता है तो मैं माँ हूँ उसकी, मुझे उसको धोकर साफ सुफ करना ये तो मेरा ही कर्तव्य है। तो ठीक यही बात श्री रामकृष्ण देव यहाँ हमको ये गाने के माध्यम से समझा दे रहे हैं और समझाते हुए श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से एक बात कहना निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, बोल देते हैं कि देखिए, अंतःकरण में विश्वास का बल चाहिए। और उदाहरण के स्वरूप उन्होंने विभीषण का उदाहरण दिया है कि कोई एक आदमी समुद्र पार होना चाहता है, इतना विशाल समुद्र, उसके पास तो कोई नाव भी नहीं है, जहाज नहीं है, और तैर कर तो समुद्र पार नहीं किया जा सकता, तो बड़ी चिंता में डूब गया है। तो ठाकुर बोलते हैं, विभीषण ने देखा और उसको कहा कि कोई बात नहीं, और उसके आँचल में एक कुछ बांध दिया और
सचेतन कर दिया कि देखो जल के ऊपर से चले जाना, लेकिन आंचल में क्या बांध कर रखा है उसको खोल कर मत देखना। देखिए, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, खोल कर तो देख ही लिया, और उसके बाद क्या किया, वहाँ देखा कि किसी पर्चे पर राम नाम लिखा हुआ है, तो विचार करने लगा बस यही। और जैसे ही ऐसा विचार आया वह डूब गया। ऐसी हम कहानी ठाकुर यहाँ दोहराते हैं। तो ये जो बात है विभीषण ने बोला, अर्थात हमें संत महात्माओं के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आप्त वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों में जो बातें बताई हैं कि भगवान है, भगवान का दर्शन हो सकता है। हम जीव जो है तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप है, और जीव अगर चाहें तो अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो ज्ञान की दृष्टि से स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की गोद में चले जाना, भगवान की गोद में बैठना, भगवत दर्शन करना, और उसके लिए भक्ति माता सहायता करती है। तो वो विश्वास होना चाहिए, यह विश्वास की नींव होनी चाहिए। ये जो हनुमान की बात यहाँ श्री रामकृष्ण बताते हैं कि हनुमान का कितना बड़ा विश्वास था। हनुमान चालीसा में भी हम पढ़ते हैं कि मुख में राम नाम की मुद्रिका लेकर धारण करके हनुमान जी समुद्र लांघ गए। तो वैसे ही अगर भवसागर पार होना है, इस संसार सागर से पार होकर अगर हमको मुक्ति के द्वार तक पहुंचना है, तो अंतःकरण में भगवान को लेकर आस्तिक्य बुद्धि होनी चाहिए, भक्ति पर विश्वास होना चाहिए। अंतःकरण में निश्चित रूप से विश्वास के साथ श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, जीवन में श्रद्धा और विश्वास का अगर मिलन होता है, भक्ति श्रद्धा और विश्वास, हम एकादशी के दिन राम नाम गाते हैं, उस राम नाम में भी भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों ऐसा कहा गया है। भवानी, यह भगवती, भवानी और शंकर, ये किसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कर रहे हैं श्रद्धा और विश्वास। भवानी जो है वह श्रद्धा स्वरूपा है, और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। तो मनुष्य के जीवन में भी भक्ति के आधार से भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास, और भगवान का नाम से जपने से मैं भवसागर तर जाऊंगा, कोई भी पाप मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, यह भाव धारण करते हुए हमको इस संसार में सभी कर्म तो करने हैं, लेकिन सभी कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही करता है, भगवान ही भोगता है, वे ही मेरा आधार हैं, मेरा संभल है, उनकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, यह विश्वास। आज बस यहीं तक। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।